गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, मैं आज फिर से एक नया और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं आपके सामने। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखें और टॉपिक को समझने की कोशिश करें और अगले बार इसको बोलने की कोशिश करें। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। तो प्लीज इसे समझिए कि इस टॉपिक को हम लोग कैसे बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को आप लोग अंत तक देखेंगे। दोस्तों, बातचीत करते करते हम लोग कई बार कहते हैं कि क्या कहना, जैसे कार का क्या कहना, तुम तो बाइक भी नहीं चला सकते। अंग्रेजी का क्या कहना, वह हिंदी भी नहीं बोल सकती है। 10,000 रुपए को मारो गोली, मैं तुम्हें 1 रुपए भी नहीं दूंगा। तुम्हारा भाई भी चोर है। कार तो एक और रही, वो बाइक भी नहीं चला सकता है। कार की छोड़िए, वो बाइक भी नहीं चला सकता है। कार को भूल जाइए, वो बाइक भी नहीं चला सकता है। कार तो दूर की बात है, वो बाइक भी नहीं चला सकता है। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये सब अलग अलग है, लेकिन स्पीकिंग करते समय हमको एक ही शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक ही फ्रेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो रहता है नॉट टू स्पीक ऑफ या नॉट टू मेंशन ऑफ। नॉट टू स्पीक ऑफ या फिर नॉट टू मेंशन ऑफ का आप लोग इस्तेमाल करेंगे, इसमें सारा सेंस आ जाएगा। क्योंकि हम लोग अंग्रेजी में कभी भी शब्दों का अनुवाद नहीं करते हैं, हम लोग अर्थ का अनुवाद करते हैं। जैसे मुझे कहना है कि मैं जब तुम्हें देखता हूँ तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। When I see you, my heart become garden garden. This is wrong sentence. When I see you, I become very happy. मेरा सिर चक्कर खा रहा है। My head is eating circles. Wrong. शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। I feel giddiness. I feel dizziness. ये होगा। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में आपको ये बात ध्यान देना है कि हमें शब्दों का अनुवाद नहीं करना है, हमें उसका अर्थ निकालना है, उसका अर्थ क्या है, दैट्स ऑल। और सभी सेंटेंस में आपको फ्रेज यूज करना है नॉट टू स्पीक ऑफ, नॉट टू मेंशन ऑफ। चालू करते हैं दोस्तों इस टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखेंगे। जैसे हमें कहना है कि कार तो कार, तुम बाइक भी नहीं चला सकते हो। नॉट टू स्पीक ऑफ अ कार, यू कैन नॉट राइड इवन अ बाइक। नॉट टू मेंशन ऑफ अ कार, यू कैन नॉट राइड इवन अ बाइक। दोनों सेंटेंस सही हैं दोस्तों। अगले सेंटेंस में मैंने बोला था बाइक भी, मैंने बाइक के बाद भी का इस्तेमाल किया है, तो हमें बाइक के पहले इवन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इवन यहाँ पर भी का काम करेगा। आज के टॉपिक में आपको ऑल्सो भी नहीं लगाना है, टू भी नहीं लगाना है, टी डबल ओ इवन ही लगाना है, ये स्ट्रक्चर है। जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो में ऑल्सो फिक्स होता है, वैसे यहाँ पर इवन आपको लगाना है। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी तो अंग्रेजी, तुम हिंदी भी नहीं बोल सकते हो। Not to speak of English, you cannot speak even Hindi. Not to mention of English, you cannot speak even Hindi. इस प्रकार का सेंटेंस बनाना है। अगले सेंटेंस में आप चाहें तो टेंस बदल सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। बाइक तो दूर की बात है, तुम साइकिल भी नहीं चला सकते थे। Not to speak of a bike, you could not ride even a cycle. Not to mention of a bike, you could not ride even a cycle, a bicycle. You can say bicycle also. अब अगर मैं not to speak of या not to mention of के बाद अगर कोई क्रिया का इस्तेमाल करूँ तो तब आपको verb में ing लगाना है, क्योंकि of यहाँ पर preposition है और preposition के बाद हमेशा verb में ing आता है। बात करना तो दूर रहा, वह तुम्हारी ओर देखेगी भी नहीं। Not to speak of talking, she will not even look at you. पीटना तो एक और रहा, तुम मुझे छू भी नहीं सकते हो। Not to speak of beating, you cannot even touch me. Not to mention of beating, you cannot even touch me. दोस्तों, अगले वाले वाक्य में अधिकतर can का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि हर सेंटेंस में can आता होगा और अगला वाला सेंटेंस नेगेटिव होता होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप अपनी सुविधानुसार दूसरे टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सोचिए कि आप क्या बोलने वाले हैं। हिंदी तो हिंदी, मैं अंग्रेजी भी पढ़ रहा हूँ, मैंने इस बार टेंस चेंज कर दिया। नॉट टू स्पीक ऑफ हिंदी, नॉट टू मेंशन ऑफ हिंदी, आई एम रीडिंग इवन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी भी पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग इवन इंग्लिश, ऐसे बनाएंगे दोस्तों। तो आपको ध्यान देना है कि आप अगला सेंटेंस कौन सा बोल रहे हैं। नेगेटिव बोल रहे हैं तो नेगेटिव लगा दीजिए, और दूसरे टेंस का इस्तेमाल करें तो वो लगा दीजिए। 10,000 रुपये को मारो गोली, मैं तुम्हें 1 रुपये भी नहीं दूंगी। तो दोस्तों, 10,000 रुपये को मारो गोली में हमें बंदूक निकाल के गोली नहीं मारना है। आपको ये नहीं बोलना है शूट 10,000 रुपीज़,
नो, इसका सेंस ये निकल रहा है कि 10,000 रुपये की छोड़ो, 10,000 रुपये का क्या कहना, ये सेंस निकल रहा है। तो नॉट टू स्पीक ऑफ 10,000 रुपीज, आई विल नॉट गिव यू इवन 1 रुपी। दोस्तों का क्या कहना, रिश्तेदार भी मदद नहीं करते हैं। नॉट टू स्पीक ऑफ फ्रेंड्स, इवन रिलेटिव्स डू नॉट हेल्प। क्या कहना बोला मैंने, तो वॉट टू स्पीक लगाने की जरूरत नहीं दोस्तों, नॉट टू स्पीक ऑफ या नॉट टू मेंशन ऑफ ही लगाना है। बस आपको ये ध्यान देना है कि नॉट टू स्पीक ऑफ के बाद क्रिया आएगी, वर्ब आएगा तो आपको वर्ब में एनजी लगाना है, साइट वाला जो वाक्य रहेगा वो किसी भी टेंस में हो सकता है। तो क्रिया वाले में 2-3 सेंटेंस की प्रैक्टिस कराता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप अधिकतर गलती करते हैं। धमकाना तो एक और रहा, वह तुम्हें पीटेगा भी। नॉट टू स्पीक ऑफ थ्रेटनिंग, ही विल इवन बीट यू। नॉट टू मेंशन ऑफ थ्रेटनिंग, ही विल इवन बीट यू। तो इस प्रकार का आपको लगाना है। डांटने का क्या कहना, नॉट टू स्पीक ऑफ स्कोल्डिंग। चिल्लाने का क्या कहना, नॉट टू स्पीक ऑफ शाउटिंग। समझाने का क्या कहना, नॉट टू स्पीक ऑफ एक्सप्लेनिंग या नॉट टू मेंशन ऑफ एक्सप्लेनिंग। दैट्स ऑल दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज का जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नया टॉपिक था आपके लिए। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो बहुत जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों एक नई कोशिश के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।